अगर आप एक रियल हॉबिस्ट हो, डजेंट मैटर आपने क्या पाला है, इट कैन बी फिश और अदर पेट्स, एक टाइम आएगा गाइस, आपको हमेशा प्रिपेयर रहना होगा जब वो आपको छोड़ के चल जाएगा। आज का वीडियो इसी टॉपिक को लेकर है, क्या हुआ है मेरा साथ, कैसे हुआ है, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। एंड आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हेलो गाइस, फिश ट्रांसफ़र थोड़ा डिले हो गया है, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है एंड बर्न सर भी थोड़ा सीक हो गया है, पता नहीं सडन वेदर चेंज के वजह से। तो मैंने फिर से पानी इसको फिल कर रहा हूँ, अभी फिश ट्रांसफ़र नहीं होगा, कुछ दिन बाद होगा। अगर होता भी है तो बर्न सर कुछ दिन के लिए यहाँ रहेगा, उसका ट्रीटमेंट करना होगा। वो बीच बीच में ऊपर आके ज़ोर से सांस ले रहा है, फिर नॉर्मल स्विम कर रहे हैं, मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ गाइस। यही सबसे बड़ा परुण सर्क है, इसने दो परुण सर्क को मारा है, सेम बैच का था एंड काफ़ी बड़ा है, बहुत खाता है, पता नहीं क्या हो गया इसको, इसको अभी थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एंड एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ है बिलसादा हम लोग को बताएगा। पहले आप लोग यहाँ देखेंगे कि मेरा जो बड़ा एरापाइमा है यहाँ से मिसिंग है, बाकी सारे फिश है, काफ़ी बड़े हो गए ये लोग। अब तो मार्च लगे रहे हैं, उस टाइम गए चिंगड़ी लाने के लिए, हम तो सब समय खिलाते हैं। हाँ, तो जनरली उसको चिंगड़ी हम लोग खिलाते थे, क्योंकि अगला साल उसका आँख में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो ये लाठीटा देखो, तो ये स्टिक से हम उसको खिलाते थे, सिर्फ चिंगड़ी खाता था, कभी फिश खाता था। तो बिलसादा हमेशा चिंगड़ी लाने जाता था, तो क्या हुआ था मार्केट में? मार्केट में थोड़ा सा मिक्सिंग था, खराब है मछली, उसमें खराब चिंगड़ी भी था, तो मिक्सिंग चिंगड़ी था, लाल वाला ना, तो समझ नहीं पाए, तो उसको खिलाए तो शाम कटर में वोमिट कर दिया, उल्टी कर दिया था। तो कैमरा में भी मैं देखा था, एक कोना में इतना सारा चिंगड़ी मतलब पूरा गिरा हुआ था, तो उल्टी कर दिया था वो, तो फिर उसको निकाल दिए। फिर दूसरा दिन सुबह में देख रहे हैं पलटी मारा हुआ, तो कैमरा का एक फुटेज आप देख सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी किया था इन्होंने, उल्टा होके मतलब छटपट करा था, ज्यादा टाइम नहीं दिया था। तो उसका मतलब समझ नहीं पाए कि क्या करें, ठीक है, समय नहीं दिया हम लोग को। बहुत सारा मछली हम लोग को टाइम देता है ट्रीटमेंट करना, कहीं अचानक से मतलब एक घंटा के अंदर ही मतलब उल्टा हो गया, फिर वो मर गया उसी दिन, नेक्स्ट डे। मतलब खाना भी खिलाना अभी एकदम रिक्स हो गया, अभी मछली को क्या खिलाए, अभी बहुत सोच समझ के खिलाइएगा, लोकल मछली ज़्यादा करके। अभी हम लोग लोकल मछली जो पॉन्ड में मिलते हैं नेचुरल वही खिलाते हैं, क्योंकि हर चीज़ में अभी आर्टिफिशियल इंजेक्शन दी दिए माछ गुलो के, ये कड़े बड़ो कड़े, तो हर कुछ सेफ नहीं है। आरेकटा जिनिस माने आमी बोलछी, माने ओई जे माछ मरे गेलो आमादेर एरापाइमाते, माने एलिगेटर गार अनेक हाडी बोलो, ओई सब तो अच्छा हो गेलो अभी। ये मेरा जहाँ तक पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, एरापाइमा उतना हार्डी नहीं है, क्योंकि ये लोग भी खाया था, तो इन लोग को उतना कुछ हुआ नहीं, उसका इफेक्ट हो गया ज़्यादा, तो बहुत खराब लगा। खराब माने आता बड़ो मच खराब लग रहा था, क्योंकि पहले से तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था ही, वजह से था, थोड़ा वीक था पहले से, मतलब इतना बड़ा मछली मर गया। मतलब एक और है एरापाइमा, उसको अभी हम लोग इधर डाले गए कुछ दिन बाद, तो लाइव चीज़ का कोई गारंटी नहीं है, जिसका जितना दिन रहता है। और हम लोग कुछ छुपाते नहीं है गाइस, आप लोग से सब हम लोग शेयर करते हैं, मछली अगर मरता है वो भी दिखाते हैं, मछली अगर ट्रांसफ़र करते हैं वो भी दिखाते हैं, इतना बड़ा मछली को मैं कहाँ छुपा के रखूँ, वो तो बात है। आप लोग का इतना छोटा छोटा मछली, बहुत लोग शॉप में आते हैं मेरा, बोलते हैं भाई मेरा इतना छोटा एक गोल्ड फिश मर गया, कार्प मर गया, इतना बड़ा मछली मरेगा तो भाई हार्ट अटैक हो जाएगा। तो तीन में चिलिस ना एखे एक बार जहाँ मास्टर बेचे छो, আর একটা আছে তো ওখানে, ওটাকেও বড় করবো নাকি, ওটাও মূল্যে আর একটা নিয়ে আসবো না, এরাপাইমা সবসময় থাকবে, কি বলছিস গাইস? এরাপাইমা হার টাইম মেরা পাশ রয়েগা, মানে উস দিন বি বলা থা
अगर वो रहता है वो मर जाता है, एक और लाऊंगा। तो ये था आज का वीडियो गाइस, हम लोग फिश ट्रांसफ़र बहुत जल्द करेंगे। फिलहाल वरुण सर को थोड़ा ट्रीटमेंट करना होगा, एंड मैं पहले ही बोल दिया कि एलिगेटर कार बहुत हार्डी है गाइस एरापैमा से, क्योंकि एरापैमा उतना हार्डी मेरे को नहीं लगा। एलिगेटर बहुत हार्डी फिश है। यहाँ पर हम लोग पानी और इंक्रीज़ करेगा थोड़ा, अभी पानी कम किया था फिश ट्रांसफ़र के वजह से, अभी डिले हो गया सब कुछ, तो फिर पानी डालेगा। मछली जब भी मरता है पानी हम लोग चेंज करते हैं, तो फिर हम लोग फिश ऐड करेगा। तो ये था आज का वीडियो, एंड यहाँ पर बहुत सारा एलिगेटर का बेबीस है, किसी को भी चाहिए तो शॉप में आ सकते हैं, बाहर भी डिलीवरी होगा। आप अगर मॉन्स्टर फिश पालना चाहते हैं तो एलिगेटर घर अपने कलेक्शन में रखिएगा। सी गाइस, आज मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप लोग के साथ। देखिए, फिश का लाइफ स्पैन उतना ज़्यादा नहीं रहता है एज़ कम्पेयर टू डॉग्स हो गया या कुछ और पेट्स हो गया, ठीक है। एंड मछली गाय सबका मरता है, चाहे वो एक गोल्ड फिश हो या कोई अरवाना हो या कुछ और फिश हो, एक ना एक दिन वो मरेगा। कब मरेगा, कैसे मरेगा, वो कोई बोल नहीं सकता, ठीक है। हाँ, बट एक टाइम जब आप उसके साथ स्पेंड करोगे, एक मेमोरीज रहेगा, एंड जब वो मरेगा उसका जो मतलब आउटकम होगा, जो आपको बुरा लगेगा, वो भी आपको फेस करना होगा। अगर आप मॉन्स्टर फिश पालते हैं तो आपको ये दोनों दिन के लिए प्रिपेयर रहना होगा हमेशा। मेरा साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है, एंड भूला नहीं जा सकता गैस। मतलब ऐसा ऐसा सीन हुआ हम लोग के साथ, आप लोग भी देखे वीडियोस में। ऐसी गैस कुछ लोग सोशल मीडिया में नहीं है, वो लोग भी मॉन्स्टर फिश पालते हैं, तो उनका कब फिश बड़ा होता है, कब मर जाता है, उतना अपडेट देखने को नहीं मिलता है। हम लोग जो यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं एंड टाइम टू टाइम आप लोग को अपडेट दिखाता है। तो इंडिया में अभी जो सीन हो रहा है, दो टाइप का भी मतलब ग्रुप हो गया जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक होता है सिर्फ और सिर्फ शॉप प्रमोशन करता है, मतलब खुद का हॉबीज के लिए टाइम, मतलब फैमिली के लिए टाइम नहीं है, हॉबीज तो छोड़ो, दिन रात शॉप प्रमोशन का वीडियो बनते जाता है, पता नहीं इतना टाइम कैसे मिलता है। एंड एक और होता है, वीडियो आता है उनका भी, बट वो लोग खुद भी हॉबीस्ट है, घर में भी फिश पाले हैं, एंड मेरे से अच्छे अच्छे हॉबीस्ट है गैस, ठीक है। उसका घर में 3 से 4 फीट का भी मछली है, ऐसा भी मैं देखा हूँ। तो उनको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए गैस, उनका भी चैनल पे जाइए, उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। हमेशा गैस शॉप प्रमोशन, वही गलीब स्ट्रीट का वीडियो कितना देखोगे, उसमें आपको सीखने को कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। आज जैसे मैं आप लोग को एक चीज़ सिखाया, जो मार्केट में जो श्रिम्प रहता है उसको आप देख के चॉइस कीजिए अच्छे से, तो थोड़ा रेड रहता है, थोड़ा सा भी रेड रहेगा वो वाला बाय मत कीजिए, थोड़ा रिस्की रहता है वो वाला। तो देर विल बी अ ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन अ शॉप प्रोमोटर एंड अ हॉबीस्ट। सो बस यही था गाइस आज का वीडियो, आगे पता नहीं क्या होगा। कुछ मेरा जो पॉइंट है वहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम होगा, कुछ चेंजेस करूँगा मैं उधर, एंड उसके बाद ही यहाँ का जो इंडोर वाला जो मेरा पॉइंट है वहाँ भी फीस कुछ बड़े हो गया है, उसको भी ट्रांसफ़र करूँगा। सो देखा जाएगा आगे जैसा होगा, मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, वो भी शेयर करूँगा। एंड अब शायद गैस टाइम हो गया है कुछ फिश केयर का वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत साल से मैं फिशेस रख रहा हूँ, सारे फिश का मैं अभी तक केयर वीडियो नहीं बनाया हूँ, कुछ कुछ का अभी भी पेंडिंग है, तो उनका केयर वीडियो आएगा। जितना एक्सपीरियंस होगा गैस उतना अच्छा से मैं आप लोग को बता पाऊँगा। आज मैं फ़िश रख रहा हूँ गैस, आज मेरा फ़िश रख रहा हूँ, 4-5 साल बाद मेरा फ़िश मरेगा, तो जितना भी मैं एक्सपीरियंस गैदर करूँगा आप लोग के साथ जब शेयर करूँगा, आप भी जब वो फ़िश को पालोगे आपको हेल्प मिलेगा, यही मेरा काम है गैस। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, एंड वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड लाइफ चीज गैस सबको एक ना एक दिन जाना है, बी रेडी फॉर दिस डे। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, चलो हैव अ नाइस डे, पीस।